स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में। पहले अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ पहले से मौजूद है भाजपा से, विकेश मेहता जी कांग्रेस से हमारे अतिथि हैं जो स्टूडियो में आए हैं, नीरज मेहरा जी मेरे साथ बैठे हैं। विकेश जी सबसे पहले आपसे ही, अब आप नए जुड़े हैं, आपसे बात कर लेते हैं। जनता ने जो आपको फैसला दिया है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, मेरी ये प्रतिक्रिया है कि जनता का जो फैसला उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आज ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है चुनाव, और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट में जो भी चीज़ अपने सामने आई है उसको हमको स्वीकार करके, और उसमें कोई चीज़ की हमारे से कमी रही है, मेहनत में कोई कमी इस बार नहीं रही कांग्रेस पार्टी की, और कभी भी नहीं रहती, लेकिन इस बार बहुत ताकत से मेहनत पूरे देश में लगाई। यहाँ पे राजस्थान में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, कैंपेन कमेटी के हमारे रघु शर्मा जी ने, अविनाश पांडे जी ने, मुझे पता है कि हम मेवाड़ से आते, तो हर गांव गांव में और जहां भी जा सकते थे वहां गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस भीषण गर्मी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले की मेहनत की, लेकिन जनता का जो ट्रेड है उसको कांग्रेस पार्टी और समझने की कोशिश करेगी, और वापस फील्ड में जाकर उसको सुधार कर और वापस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। विकेश जी कहाँ कमी रह गई, कुछ तो असेसमेंट किया ही होगा अभी भी, जब आप अभी जैसे विचार कर ही रहे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए, अभी रुझान चल रहे हैं, कई अभी उम्मीद चक्र बाकी है परिणाम आने वाले हैं। देखिए, जी। जब आत्ममंथन और चिंतन, जब एक बैठक होगी और सब बड़े नेता बैठेंगे, कार्यकर्ता भी बैठेंगे, और हर आदमी इस लेकर चिंता तो जरूर करेगा, लेकिन जो चिंता है उसको उत्साह में कमी नहीं आने देंगे। वापस से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लोगों की का सेवा में और से बढ़ोतरी की जा सकती है उसको कर और वापस इसको अच्छे से चुनाव वापस जीतने की कोशिश कांग्रेस वापस करेगी। आपको नहीं लगता नीरज जी, आप कुछ लगता है विकेश जी, जितना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने मोदी पर निशाना साधा वो उनकी ताकत बनती गई। जितनी बार उन पर निशाना साधा, जितनी बार उन पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जनता ने उसको शायद मुझे लगता है सकारात्मक रूप से लिया, और मोदी जी ने उन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को हर चुनावी रैली में भुनाने का प्रयास किया। लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने या विपक्षी दलों ने जो व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी पर जो निशाने साधे उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं असर इन चुनाव परिणामों में दिखता नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव में इस बार आपको पता होगा कि चुनाव आयोग ने भी कई नेताओं को बोलने के ऊपर बैन किया, और मतलब चुनाव में इस बार बोलने का स्तर जितना गिरा उतना पिछले समय पे इतना नहीं गिरा था। ये अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह को इन लोगों ने कुछ भी, प्रधानमंत्री जी हमारे रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी, जहाँ भी जाते ये उनके बारे में कुछ भी कह देते, वो गरिमा कांग्रेस ने नहीं खोई है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि व्यक्ति विशेष को हमने टारगेट बनाया, हमने कभी भी नहीं बनाया, हमने इनकी नाकामियों को उजागर किया, हमने नोटबंदी को उजागर किया, व्यापारियों को अत्याचारों इसके ऊपर किया, किसानों का मुद्दा उठाया, इसी प्रकार से अलग अलग मुद्दे और न्याय योजना हम लाए, अब जो हम चीज जनता लाए, ने रिजेक्ट कर दी शायद न्याय योजनाओं को आपकी को। देखिए, हमारा काम एक नीचे से नीचे तबके के आदमी की आवाज बनना है। हार जीत जो है, देखो चुनाव अभी विधानसभा में हम जीते, मैं आपके स्टूडियो में उस दिन भी आया था, और मैं आज ये परिणाम है तब भी आपके स्टूडियो में हूं। उस दिन भी हम इतने उत्साहित नहीं थे और आज इतने दुखी भी नहीं है। चुनाव एक प्रक्रिया है, अगर जनता ने हमारे माथे पे हार अगर दी है या हमको निराश किया है, तो हम वैसे निराश होने वाले लोगों में से नहीं है। वापिस जनता, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, वापिस जाएगी, अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेगी, अपने नेताओं से करेगी और जनता से भी करेगी। और हमको ऐसा लगता है कि जहां हमारी कमी रहेगी उस कमी को देखो, आज एक स्टूडेंट भी या कोई एक व्यापारी है या कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है, कमी है तो उसको सुधार कर आगे बढ़ता है। हम देश के लिए सोचेंगे, जनता के लिए सोचेंगे और अच्छे राजस्थान के बारे में सोचेंगे। विकेश जी, मैं सीधा अशोक जी से बात करना चाहूंगा। अशोक जी, लगता है जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पीएम मोदी पर किया गया, जिसे ने चौकीदार चोर कहा गया, उन्होंने उसको लिया, मुहिम बना दी गई, उनकी जाति को लेकर सवाल पूछे गए, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री तक से, उस तक से अगर जाति को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है क्योंकि जनता में, जनमानस पर इसका असर गहरा तक जाता है, व्यक्तिगत लांछनों पर जो पार्टियां गई उसका असर भी इन चुनाव में कहीं ना कहीं आपको लगता है रहा होगा। अशोक जी देखो, जिस प्रकार से राफेल के मुद्दे पर टोटल क्लियर हो गया, उसके बाद में भी आपके चौकीदार चोर है, हर सभाओं में आप कह रहे हो, नारेबाजी आप लगा रहे हो, बच्चों को आप लेके आ रहे हो, लेकिन वो चीजें जनता देख रही थी। तो किस प्रकार से, क्या इसका एक ऐसा कोई हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कोई जांच ऐसी चली हो जिसमें कोई आया हो, लेकिन उसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है, इस कह रहे हैं साहब जबरदस्ती से जांच कराओ आप,
तो मतलब उस मुद्दे को आपने एक हवा में देने की कोशिश करी, लेकिन जनता यह देख रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं उनकी छवि कैसी है, वो उनका 2002 से लेकर के जो 2014 तक वो जो मुख्यमंत्री रहे उसके कार्यकाल में भी आप देख लेंगे तो कोई ऐसा कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का जो आप इसके साबित कर सकें। और जो इन्होंने व्यक्तिगत हमले जो आज नहीं किए, व्यक्तिगत हमले ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये हमले कर रहे थे, आज भी ये हमले कर रहे हैं, तो ये जनता ने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई एक अकेला है, पूरा परिवार उसका साथ कहाँ रहता है, गुजरात में रहता है, कोई ऐसा आराम नहीं है, कुछ भी नहीं, उस परिवार को कुछ नहीं मिला हुआ है, ये भी चीजें वो देखती है जनता। और एक व्यक्तित्व की बात की भी देखती है कि आपका विपक्ष के अंदर कौन है, प्रधानमंत्री का दावेदार जो होगा विपक्ष का वो कौन होगा, यदि महागठबंधन बनाओ या कोई दूसरा गठबंधन बनाओ, लेकिन उसमें तय तो करोगे आप छोड़ दोगे, भविष्य के लिए छोड़ दोगे, जनता ने यह सोचा कि भविष्य के लिए कुछ नहीं हो सकता, आज की टाइम जो नेतृत्व देगा नरेंद्र भाई देंगे, और जो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है उस काम के बोर्ड के आधार पर उन्होंने वोट दिए। जहां तक आती है ईवीएम की बात आती है, देखो मैं कहूँ कि ईवीएम के बारे में यह आज की बात नहीं है, ईवीएम के बारे में जिस प्रकार से आप देखिए 3 स्टेट के जो चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये कह रहे थे राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर बोगस जो मतदाता है उनके 40 लाख बताए कि उन्होंने कहीं 36 लाख बताए और सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा कि सिर्फ ये नहीं है, फिर निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए, निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर लेके आया, उस सॉफ्टवेयर से अंदर कोई 1.5 किसी विधानसभा में किसी में 1000 जो थे सेक्शन जो फॉर्म संख्या 6 और 7 होती है जो डिलीट हो जाते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुका है या कोई नए जुड़ते हैं वो उनकी बात अलग है, तो उसके अलावा सारा को तय कर दिया गया। उसके बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि साहब वीवीपैट के मामले में उसका सत्यापन किया जाए, इन पर्चियों का ईवीएम के द्वारा किया जाए, उन्होंने कह दिया चलो 5 होती विधानसभा के वहां तक कर देंगे, सब कुछ हो गया। फिर बाद में रिव्यू पिटीशन लगाए थे, रिव्यू पिटीशन भी इनकी खारिज हो जाती है। फिर बाद में अब 2 दिन के अंदर जैसे एग्जिट पोल आते हैं फिर नेरेटिव माइंड सेट करने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन जनता ये देख रही थी नेरेटिव माइंड सेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि ईवीएम पर है कुछ भी शंका है लगता है आपको तो चुनाव आयोग के पास में जाइए, चुनाव आयोग से उनका संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं भी वहां चुनाव आयोग में गया था, बकायदा वो क्वेश्चन करते हैं कि एक चीज पूछते हैं आप बताइए कि आपको क्या शंका है उसका हम उत्तर देंगे, लेकिन वहां जाते हैं जब तो उनकी शंकाएं दूर हो जाती है, और जैसे ही वो धरातल पर आते हैं और चुनाव में आते हैं तो ईवीएम के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में भी एक आक्षेप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि चुनाव में मुद्दों की बात होनी चाहिए, राष्ट्रहित का मुद्दा हो सकता है, पार्टी के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लांछन लगाना किसी भी व्यक्ति विशेष पर, कहीं ना कहीं जनता भी उनको सिरे से खारिज कर दी। आपको लगता है जनता ने जो व्यक्तिगत आरोप पीएम मोदी पर लगे उनको सिरे से खारिज करने का काम किया है? हाँ, ये सही बात है नीरज जी, कह रहा हूँ कि जनता ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत कोई भी बातें कही हो, प्रधानमंत्री जी के बारे में कही गई हो, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता भी कहता है या छोटा कोई किसी का कांग्रेस का कार्य विपक्ष का कार्यकर्ता भी कोई कहता है, वो वास्तव में निंदनीय है। यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी किसी प्रकार की वक्तव्य कोई दिए जाते हैं वो भी वास्तव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध राजनीति करनी है आपको, लोकतंत्र में आपको यदि आपको एक मिसाल पेश करनी होती है तो आपको लोकतंत्र की भाषा के हिसाब से बातें कर सकते हैं, उसमें कोई व्यंग्य की बातें भी हो सकती है, उसमें कोई कटाक्ष की भी बात हो सकती है, तो उस कटाक्ष और व्यंग्य की बातों को तो कोई उसमें इतना मानता भी नहीं है, लेकिन व्यंग्य और कटाक्ष को भी आप ऐसे मान ले तो सब ये गाली गलौज की भाषा है, वो एक गलत है। हमने जो कोई बात सम कोई कटाक्ष किया या कोई उसमें व्यंग्य कोई कसा आपकी किसी के बारे के अंदर, तो उसमें आप उसको एक गाली की भाषा मत लीजिए। हमने जो शब्द कहे उन शब्दों पर नहीं जाकर के जनता ने यह कहा कि मोदी जी जिस प्रकार से आपने जो विकास की योजना लेके आए हैं और जिस प्रकार से आप विश्व में उनका आपने भारत का नाम किया है और जो सुरक्षा के मुद्दे में आपने देखा है जहां पर आंतरिक रूप से कितने धमाके होते थे वो भी उन्होंने देखा कि आज देश आंतरिक रूप से कितना सुरक्षित है। जयपुर जैसे शहर में 67 लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद घायल थे जो जाकर के उनकी संख्या कोई 76-77 के लगभग हो गई, तो ये भी आज की राजस्थान की जनता भी देख रही है कि आज राजस्थान के अंदर क्या इन 5 सालों के अंदर इस प्रकार की कोई घटना हुई बम ब्लास्ट की, पूरे भारतवर्ष में कुछ हुई है, ऐसे नहीं होकर के सुरक्षित किस हाथों में रह सकता है? सुरक्षित रह सकता है भारतीय जनता पार्टी के जिनका नेतृत्व करें नरेंद्र भाई और एनडीए के जो सरकार को लेकर के हम चल रहे हैं, और एनडीए का आप देख लीजिए हमारा कुनबा जो हमने पहले तय कर लिया था कि हमारे साथ कौन है वो हमारा तय था, लेकिन विपक्ष का कोई भी नहीं था। मुझे लगता है आपकी पार्टी ने जितने भी वार किए सारे आपकी पार्टी पे ही भारी पड़ गए सारे, नरेंद्र मोदी को नीच कहना, नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उल्लेख करना, फिर नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहना, ये तमाम बातें जो तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए, राफेल को लेकर चौकीदार चोर बनाया गया, और ये तमाम बातें व्यक्तिगत लांछन जो लगाए गए वो तमाम सारी बातें वापस कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई और जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और
पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए सारे, वो तमाम रुझान जो दिख रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि वाकई में जो आरोप उन पर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए वो भी जनता ने उनको भी गंभीरता से लिया और उनको सिरे से खारिज किया। कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ गए इस तमाम बातें, क्योंकि मुद्दे उठाते, आरोप प्रत्यारोप लगाते, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का लांछन, आरोप प्रत्यारोप लगाना कहां तक उचित है? लोकतंत्र में तो शायद ये उचित नहीं है। विकेश जी, देखिए आज कांग्रेस ने पूरा चुनाव शालीनता से लड़ा है, और आप उस समय को याद कीजिए जब आज आपको प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। हमारे कांग्रेस के किसी भी लीडर ने कभी भी प्रधानमंत्री जी को नीच जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या किस संदर्भ में किया था आपको पता है? उन्होंने क्या कहा था, उसको किस तरफ से गुजरात चुनाव में मोल्ड किया था, दूसरी बात आज यही चौकीदार चोर तो आप लोगों ने, आज बीजेपी के लोग जब यूपीए की सरकार थी तब सोनिया गांधी जी को विदेशी कहने में शुरुआत कहां से हुई थी आपको पता है? व्यक्तिगत आरोप, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला जब सोनिया गांधी, मैं सोनिया जी आपको रोकना चाहता हूं कहा जब, और ये बोला जब कि वो विकेश जी मैं आपको बताना भारत की बहुत है, जब सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगे तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। यूपीए गवर्नमेंट दो बार आई, सोनिया गांधी चुनाव जीती, राहुल गांधी चुनाव जीते। आपको लगता है, आप याद कीजिए, जब जब सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं उसका फायदा सोनिया गांधी को भी मिला है और कांग्रेस पार्टी को भी मिला है, विपक्ष को नहीं मिला है। आप इसको गंभीरता से सोचिए, विचार करने का विषय है। मैं आपकी बात को एक इस रूप में ही ले रहा हूं कि मैं आपको पुरानी बात इसलिए याद दिलाई कि हमने कभी भी किसी के व्यक्तिगत जीवन में कभी भी, आज इतने बड़े लीडर राहुल गांधी जी की बारे में 10 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ भी बोल जाएंगे, अशोक गहलोत जी के बारे में बोल जाएंगे, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद जोधपुर में आए थे और उन्होंने खुद ने कहा कि अशोक गहलोत जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ गलियों में घूम रहे हैं। कहाँ पे? जोधपुर में। क्या वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में? कौन सा विधानसभा छूटी? आपने खुद ने टीवी पे बताई कोई विधानसभा नहीं छूटी। क्या वसुंधरा मैडम के पुत्र दुष्यंत सिंह जी चुनाव नहीं लड़े? क्या मेनका गांधी के लड़के वरुण जी चुनाव नहीं लड़े? क्या पंकजा मुंडे जी चुनाव नहीं लड़े? क्या क्या प्रमोद महाजन जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी डॉटर पूनम महाजन जी चुनाव नहीं लड़े? क्या और कई सांसदों ने तो अपने लड़कों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया, इसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था देश में, साउथ में भी ऐसा हुआ था। लेकिन सिर्फ अशोक गहलोत जी को टारगेट बना देना और जोधपुर में आके ये कहना कि आज भी मैं किसी डिबेट में था तो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे और हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कह रहे थे कि गली गली में घूम रहे हैं। आज गली गली में कांग्रेस का नेता और बीजेपी का नेता और जनता दल का नेता और आप पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता जाता है जनता के बीच में, तो अच्छी बात है। आज आप मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे, आपके नहीं, नहीं, उन्होंने कहा गली गली में बेटे के लिए वोट मांग रहे। नहीं, बेटे की बात करो तो इनके बेटे के लिए वसुंधरा जी मैडम नहीं मांग रहे क्या? 4 बार से चुनाव लड़ा दिया, तब तो हमने तो कभी भी नहीं बोला, एक शब्द भी कांग्रेस के किसी आदमी ने कहा कि दुष्यंत सिंह के पीछे मैडम वहां क्यों जा रहे हैं। यहाँ ये तो लोकतंत्र है, जिसके पास में टिकट होगा, जो चुनाव लड़ेगा। क्या वैभव जी हमारे पार्टी के महासचिव नहीं है क्या? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के? क्या वो यूथ कांग्रेस में नहीं रहे क्या? क्या उनके रगों में कांग्रेस का खून नहीं बह रहा है क्या? आज मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं, अगर मेरे परिवार में कोई अच्छा योग्य व्यक्ति है और अगर उसको टिकट मिलता आगे मेरे रहने पे और या मेरे पावर में नहीं रहने पर भी, तो उसको उस परिवार से जोड़कर, और आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे कि ये चुनाव पुत्र मोह में फंसे हुए पुत्र मोह में। अशोक गहलोत जी जैसे संवेदनशील आदमी राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, सब जानते हैं और उनकी सादगी के सब कायल है, और मोदी जी और ये खुद ही इनकी तारीफ कर चुके हैं पहले कई बार। लेकिन आज एक चुनाव की पराकाष्ठा में मुख्यमंत्री जी को ऐसा कहना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गुजरात में जाके काम किया, कर्नाटक में जाके काम किया और राष्ट्रीय महासचिव थे और राजस्थान के लिए काम किया। आदरणीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी की टीम जो है वो राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, चुनाव परिणाम जो भी आए हैं उसको शिरोधार्य करते हुए, कांटों का ताज मानते हुए, हमारे को और सुधार की आवश्यकता करके कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अच्छे बुलंद इरादों के साथ में वापिस आगे बढ़ेगी।